हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ फातिमा एंड यू आर वॉचिंग फातिमा ब्यूटी टिप्स। आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी कि हम सिंपल, इजी एंड नेचुरल तरीके से फॉर्मूला क्रीम से डैमेज एंड डिस्ट्रॉय होने वाली स्किन को कैसे रिपेयर कर सकते हैं। एक्चुअली फॉर्मूला क्रीम्स में जो केमिकल्स होते हैं वो हमारी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल होते हैं और हमारी स्किन को डैमेज करने के साथ साथ हमारी स्किन लेयर को बहुत ज़्यादा पतला कर देते हैं, क्योंकि इन क्रीम्स में जो केमिकल्स मौजूद होते हैं वो हमारी स्किन को बहुत तेज़ी से वाइट तो कर देते हैं, लेकिन जब हम इन क्रीम्स को बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं या फिर लगाना छोड़ देते हैं तो तब ये हमारी स्किन को डैमेज, डिस्ट्रॉय एंड ब्लैक करना स्टार्ट कर देती है। मीन्स कि ये क्रीम्स हमारी स्किन को परमानेंटली वाइट नहीं करती, जस्ट टेम्परेरी वाइट करती है और साथ में हमारी स्किन को भी डिस्ट्रॉय कर देती है। इसलिए हमें चाहिए कि हम फॉर्मूला क्रीम्स की बजाय ऐसी क्रीम्स, प्रोडक्ट्स एंड नेचुरल रेमेडीज यूज़ करें जो हमारी स्किन के लिए बिल्कुल भी हार्मफुल ना हो और हमारे स्किन कलर को भी फेयर करें और हमारे स्किन कम्प्लेक्शन को भी लाइट एंड ब्राइट एंड ग्लोइंग करें, क्योंकि एक दफ़ा स्किन डैमेज हो जाए तो वो रिपेयर होने में बहुत ज़्यादा टाइम लेती है और हमें ब्लैक कैट्स, पिंपल्स, एक्नी और एक्नी स्कार्स को भी फेस करना पड़ता है। लेकिन आज की इस वीडियो में हम सिंपल, नेचुरल एंड ईजी तरीके से अपनी डैमेज स्किन को रिपेयर करके अपनी स्किन को बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल, शाइनिंग, ग्लोइंग, सुपर ब्राइटिंग एंड स्पॉटलेस बना सकते हैं। हमें नीड होगी 1 बाउल की। हम इसमें ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून ऑरेंज पील पाउडर। ऑरेंज पील पाउडर एक ऐसा वंडरफुल इंग्रेडिएंट्स है जो हमारी स्किन को हील करके हमारी डैमेज स्किन को रिपेयर करता है और हमारे फेस से एक्नी, पिंपल्स एंड एक्नी स्कार्स को ट्रीट करता है और हमारे स्किन टोन को लाइटन अप करता है। इसके बाद हम नेक्स्ट ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून सैंडलवुड पाउडर। सैंडलवुड पाउडर में एंटीऑक्सीडेंट एंड एंटी इन्फ्लामेटरी की प्रॉपर्टीज होती है जो हमारे फेस से एक्नी एंड ब्लैक हेड्स को रिमूव करती है और हमारे स्किन कम्प्लेक्शन को लाइटन अप करती है। इसमें नेचुरल प्रॉपर्टीज़ होती है जो हमारी स्किन हेल्थ को प्रमोट करती हैं। इसके बाद हम यहाँ पे नेक्स्ट इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून हुस्ने यूसुफ। हुस्ने यूसुफ हमारी स्किन को नेचुरली क्लीन करने में बहुत हेल्प करता है और इसको बहुत से फेशियल एंड ब्यूटी प्रोडक्ट्स में यूज़ किया जाता है। इसमें नेचुरल प्रॉपर्टीज़ होने की वजह से ये हमारी डैमेज स्किन को हील एंड रिपेयर करता है। इसके बाद हम यहाँ पे नेक्स्ट 4 ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून एलोवेरा जेल। आपको पता ही है एलोवेरा जेल एक ऐसा मैजिकल प्लांट है जो हमारी स्किन को रिपेयर करने के साथ साथ हमारे बालों के लिए भी बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। आप चाहे तो इसमें नेचुरल एलोवेरा जेल भी यूज़ कर सकते हैं। एलोवेरा जेल हमारी स्किन से हार्मफुल बैक्टीरिया को किल करने में हेल्प करता है और हमारे फेस से एक्नी, पिंपल्स, एक्नी स्कार्स एंड डार्क स्पॉट को भी रिमूव करता है। हम सब इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और एक स्मूथ एंड लवली सा पेस्ट बना लेंगे। इसके बाद हम यहाँ पे ऐड करेंगे लास्ट इंग्रेडिएंट्स 1 टेबलस्पून मिल्क। अगर आपके पास मिल्क नहीं है तो आप रोज वाटर भी ऐड कर सकते हैं। आप चाहे तो रॉ मिल्क भी यूज़ कर सकते हैं या सिंपल मिल्क भी यूज़ कर सकते हैं। मिल्क में लैक्टिक एसिड होता है जो हमारी डैमेज स्किन एंड एक्नी, प्रॉन स्किन के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है और मिल्क में जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो हमारे डार्क स्पॉट को रिमूव करके हमारे स्किन कम्प्लेक्शन को लाइटन अप करते हैं। ये रेडी है हमारी डैमेज स्किन को रिपेयर करने के लिए मास्क। ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है और 100% नेचुरल एंड प्योर इंग्रेडिएंट्स से हमने रेडी किया है। ये आपकी डैमेज स्किन को रिपेयर करके आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा सुपर ब्राइटिंग एंड स्पॉटलेस करेगा। अब आपने अपने फेस को क्लीन करके अच्छी तरह इसको किसी ब्रश की हेल्प से अपने फेस पर अप्लाई कर लेना है और 20 से 25 मिनट तक आपने अप्लाई करना है। आप इसको रात को सोने से पहले भी अप्लाई कर सकते हैं, डे टाइम या मॉर्निंग टाइम ही अप्लाई कर सकते हैं। इसमें ऐड सब इंग्रेडिएंट्स हमारी स्किन पर मैजिक की तरह वर्क करेंगे और हमारी स्किन प्रॉब्लम्स और डैमेज स्किन को भी रिपेयर करेंगे। इसके साथ साथ आपने कोई भी केमिकल्स वाली प्रोडक्ट्स एंड क्रीम्स अपने फेस पर अप्लाई नहीं करनी, क्योंकि ऐसे में आपकी स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाएगी। और आपने रात को सोने से पहले अपने फेस को किसी भी नेचुरल सोप से क्लीन कर लेना है। आपने कोई भी केमिकल वाला सोप यूज़ नहीं करना। आप चाहे तो आप मेडिकल वाला वाइटामैक्स सोप्स भी यूज़ कर सकते हैं, या आपको इजीली मेडिकल से मिल जाएगा और ये आपकी स्किन को भी नेचुरली रिपेयर करेगा। इसके साथ साथ आप पानी की यूजिंग ज़्यादा करें, ऐसे आपकी स्किन नेचुरली हाइड्रेट रहेगी। बाहर जाने से पहले अपनी स्किन पर सनब्लॉक ज़रूर अप्लाई करें और अपनी स्किन पर ऑयली ऑयल या कोकोनट ऑयल से मसाज किया करें। नेचुरल एंड हेल्दी डाइट्स खाते रहें। ऐसे करने से थोड़ी टाइम्स बाद आपकी स्किन बहुत जल्दी रिपेयर हो जाएगी। आई होप सो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल एंड इफेक्टफुल होगी। तब तक मिलते अपनी नेक्स्ट और न्यू वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। If you like my video, please subscribe, likes and press the bell icon.